हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ रवि भारद्वाज एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल नोट्स, जिसमें हम कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के सारे टेक्निकल नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक्निकल नोट्स को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर दें। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज के। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सटर्नल कमांड्स के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल कमांड्स में आपसे स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको आज जो फर्स्ट कमांड बताने वाला हूँ वो है chkdsk, मतलब चेक डिस्क कमांड। ठीक है, पहले आप समझ लीजिए कि एक्सटर्नल कमांड होता क्या है, फिर हम लोग कमांड्स को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि इंटरनल कमांड होते हैं, वो जो इंटरनल कमांड होते हैं वो सिस्टम के इंटरनल फाइल, जैसे command.com इस टाइप का जो इंटरनल फाइल होते हैं उसके अंदर स्टोर होते हैं, जो कि सिस्टम के लोड होने के साथ ही मेमोरी में लोड हो जाते हैं। बट जो एक्सटर्नल कमांड होते हैं वो एक्सटर्नल कमांड कंप्यूटर के दूसरे एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस या एक्सटर्नल फाइलों में स्टोर होते हैं, जो कि सिस्टम के स्टार्ट होने के साथ लोड नहीं होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एक्सटर्नल कमांड हैं जो कि कंप्यूटर में हमें सपोर्ट करता है, बट कई विंडोज़ में कुछ कमांड्स जो होते हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं। तो जो भी कमांड्स हम इस पर यूज़ कर सकते हैं, उन सभी कमांड्स को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो देखिए, जैसे कि जो मैं फर्स्ट कमांड पढ़ाने वाला हूँ वो है chkdsk कमांड। तो chkdsk, देखिए इसको लिखना है आपको chkdsk। ठीक है, देखिए chkdsk मतलब chk मतलब चेक, dsk मतलब डिस्क। ये चेक डिस्क का शॉर्ट फॉर्म है। इस कमांड का यूज अगर हमें किसी भी ड्राइव पे अगर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, उस ड्राइव पे जो भी ड्राइव का साइज कितना है, उसके अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ फाइल्स हैं, कितना फ्री स्पेस है, और भी पूरी उसकी फाइल यूटिलिटी की चेकिंग करनी है, तो उसके लिए हम लोग chkdsk का यूज़ करते हैं। तो ये पूरे ड्राइव को एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद हम उसके ड्राइव का पूरा इन्फॉर्मेशन बताता है कि कितना अभी टोटल मेमोरी कितना है उस ड्राइव का, कितना अभी यूज हो रहा है, कितना फ्री है, कितना नंबर ऑफ़ फाइल्स हैं, उनका साइज़ क्या है, ऐसे टोटल डिटेल हमको वो प्रोवाइड कराता है पूरे डिस्क को चेक करके। ठीक है, जैसे कि देखिए, अभी मैं सी ड्राइव पे हूँ, सी ड्राइव के मेरे को डिस्क को चेक करना है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा chkdsk। ये लिखने के बाद जैसे आप इंटर करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर ये पूरे ड्राइव को स्कैन कर रहा है। ठीक ना, और जैसे पूरा ड्राइव को स्कैन करने के बाद हमको इसका फाइनल वो रिजल्ट प्रोड्यूस कराएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे कि अभी यहाँ पर ये चल रहा है प्रोसेस, हम लोग कुछ देर वेट कर लेते हैं, जैसे इसका पूरा जो भी वर्किंग है वो ख़त्म हो जाएगा तो हमको इसका ये फाइनल रिपोर्ट, फाइनल समरी, ये chkdsk मतलब चेक डिस्क प्रोवाइड कराएगा। तो जैसे कि मैं अभी यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सी ड्राइव का आपको चेक डिस्क करके इसकी इन्फॉर्मेशन को दिखा रहा हूँ। ऐसे आप चाहें तब किसी भी ड्राइव में जा करके उस ड्राइव के भी डिस्क को चेक कर सकते हैं chkdsk कमांड की हेल्प से। ठीक है, साथ ही ये सारे जितने भी फाइल्स हैं सभी फाइलों की इंडेक्सिंग भी करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये सारा का सारा जो भी चेक डिस्क करने के बाद ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर, ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद देखिए यहाँ पर हमें पूरे ड्राइव का यहाँ पर समरी दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए KB के फॉर्म में जो साइज होता है वो दिखाता है, तो इतना जो KB है टोटल डिस्क स्पेस है, जिसमें इतना जो KB है वो उसमें फाइल्स यूज हो रहे हैं, इतना KB इन फाइलों का इंडेक्सिंग करने के बाद इंडेक्स फाइल है, बैड सेक्टर 0 KB है। ठीक है, और यहाँ पर इतना जो है कि सिस्टम द्वारा यूज़ किया जा रहा है, इतना KB है जो कि ऑक्यूपाइड बाय द लॉन्ग फाइल्स के लिए ऑक्यूपाइड है, इतना अभी है जो डिस्क स्पेस अभी अवेलेबल है। ठीक है, इस टाइप से ये टोटल जो भी डिस्क है ना उसका पूरा एनालाइज करने के बाद उसका समरी हमको ये प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये है chkdsk कमांड। आपको किसी भी ड्राइव का में इसको यूज़ करना है तो आप उस ड्राइव में चाहिए, देन वहाँ पर chkdsk कमांड का यूज़ करेंगे तो वो ही वर्क करेगा और आपको उसका पूरा परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर दिखा देगा। ठीक है, पूरा रिपोर्ट आपको उसका समरी यहाँ पर दिखा देगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको चेक डिस्क का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो टेक्निकल नोट्स को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।